हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, जिस मोमेंट का इंतजार था वो आ गया है। क्यों? क्योंकि डंकी जो इस साल जबरदस्त हाइप पे चली है, हालांकि इतनी ब्लॉकबस्टर मूवीज आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी डंकी के लिए इतना वेट है। राजकुमार हिरानी की एक मोस्ट मच अवेटेड क्रिएशन के लिए इतना वेट है। उसका ड्रॉप 2 कब आना है उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा भाई, रोहित शेट्टी क्या तबाही मचाने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो वो लाने वाले हैं, फाड़ के लाने वाले हैं। सर्कस मूवी जो बहुत बुरी तरीके से पिटी, आई थिंक 50 करोड़ भी नहीं कर पाई थी, शायद उसका ये बदला चुकाने वाले हैं, या फिर उसकी भरपाई। ये अपनी मोस्ट लवेबल फ्रेंचाइजी सिंघम, उसका थर्ड सीक्वल आया है सिंघम अगेन, इससे करने वाले हैं। तो भाई पोस्टर आया है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है, दमदार है या नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। डंकी ड्रॉप 2 कब आना है? कल 22nd ऑफ नवंबर को ये मूवी का ड्रॉप 2 यानी सेकेंड टीजर रिलीज हो जाएगा। क्यों? जैसे वादा करा गया है कि 6 ड्रॉप आने हैं, 6 टीजर आने हैं, जिसकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट कल 22nd ऑफ नवंबर को हमें दे दी जाएगी। तो इससे जबरदस्त चीज और क्या हो सकती है, क्योंकि इस चीज के लिए काफी वेट है। लोग ये समझ रहे थे कि भाई साहब मूवी पोस्टपोन हो गई है, क्योंकि इनकी तरफ से कोई बस देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ सालार जो डायनासोर है प्रभास, फुल एक्टिव मोड में चल रहे हैं। यूएसए में जो धमाकेदार एडवांस बुकिंग चल रही है उनकी, वहाँ से एक बार के लिए देख कर लग रहा है भाई एक तरफा कलेक्शन जाएगा, लेकिन नहीं, कल जब सेकेंड ड्रॉप आएगा भाई साहब पूरा सिनेरियो चेंज होने वाला है पूरा। तो अभी टाइमिंग नहीं दी गई है, टाइमिंग जब आएगी उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी, लेकिन कल को 22 नवंबर को ड्रॉप 2 हमें देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं अब सिंघम अगेन की। भाई इससे रिलेटेड अभी तक बहुत से पोस्टर आए, दीपिका पादुकोण का पोस्टर आया, रणवीर सिंह का पोस्टर आया, एंड अक्षय कुमार का ही पोस्टर आया, लेकिन वो कन्फ्यूज कर रहे हैं कि भाई साहब वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का है या फिर इसका, वो इतना नहीं है समझ में आ रहा है। करीना कपूर खान का भी आया, लेकिन बिल्कुल कोई एक्टिव नहीं था उस टाइम पर। लेकिन जब बॉस का पोस्टर आया है, जो इसके मेन हथियार हैं, जो इसके मेन रीढ़ की हड्डी हैं अजय देवगन, भाई साहब अपने बाजीराव सिंघम का जब आया है अपना पोस्टर, आज तबाही देखने को मिली। और दमदार पोस्टर है, बहुत ही सॉलिड पोस्टर है। ऐसे ऐसे टैग्स इस्तेमाल करे जा रहे हैं, लाइक रिलायंस वालों ने ही खुद ने इसको पोस्टर को रिवील करते टाइम ये लिखा था कि शेर आतंक मचाता है और जख्मी शेर तबाही। तो ये ऐसे लाइनें इस्तेमाल करी जा रही हैं। उसके बाद अजय देवगन ने जब खुद अपने इस मूवी का पोस्टर रिवील किया था, तो उन्होंने ये चीज़ें लिखी कि ही इज माइटी, ही इज पावर, ही इज डेंजर, ही इज स्ट्रेंथ, सिंघम विल रोर अगेन। दमदार है भाई, दमदार है। क्योंकि अभी देखो ना, रोहित शेट्टी कुछ तो हटके करने वाले हैं, पोस्टर से बताऊंगा, अभी पोस्टर में आपको एक आध चीज़ें भी दिखाएंगे, कुछ तो हटके करने वाले हैं ऐसा जो भाई डेकेड्स तक कोई कर भी नहीं पाएगा, या फिर ऐसा जो करना भी नहीं चाहेगा। मतलब हो सकता है कि इतनी सारी कास्ट और बड़ी बड़ी कास्ट को डाल के कुछ चूतिया बनती हो जाए, जो हम बहुत से पहले के सिक्वल में भी देख चुके हैं, है ना। तो नाउ टेक रियल टॉक इन ए सीरियस बिजनेस। भाई अजय देवगन का पोस्टर आया है वो लायन के साथ, ये आप देख रहे होंगे, बहुत ही फाड़ है। मतलब इसमें जो एडिटिंग करी गई है बहुत दमदार करी गई है, बिल्कुल फाड़ लग रही है। लेकिन इसके पीछे आप यहाँ देखिए ना, ये वाले लॉर्ड राम को दिखा रखा है, तो भाई ये क्या करना चाहते हैं? मतलब थर्ड पार्ट है, कुछ हटके करना चाहते हैं, क्योंकि पहले और दूसरे पार्ट में कुछ अलग था, इसमें कुछ अलग देखने को मिल रहा है। वो इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो रणवीर सिंह का जो ये पोस्टर है, इसको आपने देखा होगा ध्यान से, भाई ये बंदा हमेशा एनर्जी में रहता है और ताबड़तोड़ एनर्जी में रहता ही रहता है। पीछे इसके साइड में आप बजरंग बली का वो फोटो देख सकते हैं। तो एक डिवोशनल कनेक्शन दिखाया जा रहा है ऊपर से, अजय देवगन के साथ भी, उसके बाद रणवीर सिंह के साथ भी। तो यहाँ से कुछ तो खतरनाक करने वाले हैं रोहित शेट्टी। तीसरा यार, अभी तक का बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोस्टर मुझे इस मूवी का ये लगा है, दीपिका पादुकोण वाला, ये जो चीख चिल्लाहट स्क्रीमिंग वाला जो लग रहा है भाई, लुकिंग लाइक अ रियल बैडेस कैरेक्टर, बिल्कुल फुल फंकी साइकोटिक कैरेक्टर लग रहा है इनका, और खतरनाक भी होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि पोस्टर से ही पता लग रहा है फुल एग्रेसिव। जैसे रणवीर सिंह देखने को मिल रहे हैं भाई, उसका असर होते दिख रहा है बंदी पे, और ये वही चीज़ यहाँ पर लेके नज़र आती दिख रही है, लाइक रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण दोनों का कैरेक्टर साइकोटिक बैडेस कैरेक्टर होने वाला है। फिर अपने ये अक्षय पाजी का कैरेक्टर बिल्कुल मैच्योर टिपिकल खतरनाक वाला। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि यार ये सिंघम अगेन का ही पोस्टर है या फिर बड़े मियाँ छोटे मियाँ, आई डोंट नो, आगे जाके देखेंगे क्या होगा। टाइगर श्रॉफ भी होने वाले हैं इसमें, लेकिन भाई साहब विलेन ना कहीं हमें उदास करते हुए ये डिसीजन नज़र आ रहा है, क्योंकि विलेन में अर्जुन कपूर का नाम आ रहा है, और भाई जो अर्जुन कपूर की जो फॉर्म चल रही है, मतलब अभी करके जो मूवी आई है, शायद 1 करोड़ भी इसका कलेक्शन नहीं हो पाया है,
और इन्हें ये लोग एज विलन ले रहे हैं, जहाँ पर 2023 में या फिर इस टाइम विलन को लेके बहुत ज़्यादा लोग सीरियस हैं। लाइक टाइगर 3 में इमरान हाशमी को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, पठान में जॉन इब्राहिम उसको भी जिम कैरेक्टर जो उन्होंने किया वो उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला। उसके बाद क्या कहते हैं जवान में हमें विजय सेतुपति एक दमदार विलन देखने को मिला है, उसके बाद लियो में हमें संजय दत्त, रोलेक्स, उसके बाद एंटनी दास वो दमदार विलन देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद एनिमल मूवी में भी दमदार विलन देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो विलन के ऊपर बहुत ही कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम पर कि विलन धांसू होना चाहिए भाई, एक तरफा नहीं जाना चाहिए कि हीरो तुम्हारा फाड़ के जाए और विलन तुम्हारा बिल्कुल तुच्छा। तो वैसा ही सिस्टम यहाँ देखने को मिल रहा है, हो सकता है कुछ दमदार देखने को मिल जाए। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल ये आपको पोस्टर कैसा लगा नया, अपने बाजीराव सिंघम यानी अपने बॉस का ये पोस्टर कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।